बहराइच में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार रोडवेज परिवहन डिपो की बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में चली गई। बस में सवार लोगों की माने तो उस समय बस में 15 से 20 लोग सवार थे। बस में रोडवेज का कंप्यूटर ऑपरेटर भी सवार था, जिसका कहना है कि वह पुल बहुत जर्जर है, आए दिन उस पुल पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बस में सवार कंप्यूटर का कहना है कि वह लखनऊ टिकट काटने वाली मशीन बनवाने गया था, जिसमें से उसने एक लखनऊ में बनने के लिए जमा कर दी थी। वाकई की आज दिनांक 29/7/2020 को गोंडा से एक रोडवेज की बस, जिसका नंबर UP 42 AT 4765 है, बहराइच को आ रही थी, जो कुलुहा थाना पयागपुर के पास अचानक अनियंत्रित होकर के गड्ढे में चली गई, जिसमें घायलों को सदर हॉस्पिटल एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है, जिनका उपचार हो रहा है। घायलों के घर वालों को सूचना हो गई है, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग सवार थे सर इसमें? अब ये अभी 15-20 आदमी की सूचना मिल रही है, 7 लोग आए हैं यहाँ पे, जिनका उपचार चल रहा है सदर हॉस्पिटल में। दर्द बहुत होते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ है? एक्सीडेंट हो गया है बस से, बस पानी के पुलिया नीचे चली गई, रोडवेज उसी में बैठे थे हम लोग। कहाँ जा रहे थे? हम गोंडा आ रहे, वो बहराइच आ रहे थे, जिसिया जा रहे थे। कहाँ से आए थे? गोंडा से आए थे। क्या नाम आपका? राम कुमार नाम हमारा है, मैं एग्रो मेकर। जो अतिक्रम, कितने लोग घायल हैं कम से कम? जी साहब, कितने लोग सवार थे आप? बस में करीब 25-30 लोग थे। कितने लोग घायल हैं? हम इतना नहीं बता सकते, हम तो चोट लगे, हम तो बेहोश हो गए थे। वो आए दिन उस पुल पे एक्सीडेंट होता है। किस जगह पे हुआ है? ये पयागपुर से थोड़ा आगे एक पुल है, वहीं पे चिलोरिया कुलुआ कोई जगह है, वहीं जी आए दिन वहाँ पे रोडवेज की बस कैसे लड़ गई कि पलट गई, क्या हुआ? सामने से कोई ट्रक आ रहा था, मैंने वो देखा नहीं, मतलब जब खंती में गिर गई पुल के नीचे, सारे लोग उसी में थे और डूब गए, मतलब हम कैसे भी करके निकले, हमारे कमर में इतना चोट लगी कि मुठ नहीं पा रहे। कितने लोग घायल हो गए? लगभग 30 लोग थे, लेकिन 15-20 लोग उसमें घायल हो गए, आपस में जो भी हैं यहाँ पे हैं। अब एक दो लोग का पता नहीं, बाकी सब निकल आए हैं।